अडयाला से है और ये फाइनल कॉल है। हम अपना तन मन धन लगाएंगे, जितना भी जिससे हो सकेगा उससे दो स्टेप आगे जाएगा और इंशाल्लाह ये 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल है आपको जो पंजाब के बॉर्डर है वहाँ पे दमादम मस्त कलर देखने को मिलेगा और इंशाल्लाह 24 की रात को हम खान को आज़ाद करा के बाहर लेके आएंगे। ये खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में हमने 2007 से सियासत शुरू की है इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से, अब तक ये जज्बा हमने कभी नहीं देखा जो इस दफ़ा देख रहे हैं। तो इस दफ़ा जो लोग निकलेंगे वो पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा से और जोश और जज्बे के साथ। एक तो होता है कि मतलब एक मुर्दा क्राउड होता है, ये मुर्दा क्राउड नहीं होगा, इसमें जोश जज्बा जुनून इस हद तक होगा कि इंशाल्लाह ताला जो लीडर ने हिदायत दी है उनको पूरा किए बगैर लोग वापस नहीं आएंगे। बाकी जितनी पंजाब की बात है, पंजाब की लीडरशिप ये दो दिनों से यहाँ पर आ रही है, वो जो है उन्होंने मोबिलाइजेशन स्टार्ट की है। KPK से इंशाल्लाह ताला तमाम पाकिस्तान बेगम रहें, भरपूर तादाद में निकलेंगे, लेकिन सिर्फ KPK से ये नहीं होगा, पंजाब से लोग निकलेंगे तो इंशाल्लाह इनकलाब आएगा। जो नज़दीक अजला हैं इस्लामाबाद के, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं लीडरशिप की तरफ ना देखें, अपने हलके के MPA MNA की तरफ ना देखें, देखना है अपने लीडर की तरफ देखना है। लीडर की कॉल है, आप लोगों ने बसेस में पहुंचना है पहुंचो, कार्स में पहुंचना है पहुंचो, बाइक्स पे पहुंचना है पहुंचो, कुछ भी नहीं है तो पैदल पहुंचो। लेकिन 24 नवंबर को अगर पाकिस्तानियों ने थोड़ी सी भी कोताही की तो याद रखना कि जो पिछले दो साल से हो रहा है इससे बदतर हमारे साथ होगा और अल्लाह ना करे हमारी लीडर पर जो है मजीद सख्ती होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं CM हाउस पिशावर में मौजूद हूँ। तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, गुज़िश्ता कई दिनों से अजलास हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, MPAs MNAs यहाँ इकट्ठे हैं। आप ये अभी की सूरत हाल देख सकते हैं, यहाँ रश बन चुका है, अभी कई दिन बाकी हैं 24 के लिए, लेकिन अभी ही लोगों का जो जज्बा है वो अरूज पे है। शफी जान MPA कोहाड़ से मेरे साथ मौजूद है। शफी जान साहब सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम जी। क्या तैयारियाँ हैं यहाँ, तो आपने अभी मेला बनाया हुआ है इस टाइम CM हाउस में, ये तो सिर्फ ओहदेदार हैं, तो 24 को क्या मंजर होगा, क्या तैयारियां की जा रही हैं? अभी जो आप हलचल देख रहे हैं ये खान की आज़ादी का जश्न अभी से हम मना रहे हैं। अच्छा। इंशाल्लाह 24 को हम 5 से 6 लाख लोग लेके जाएंगे KP से, शायद ये फिगर 10 लाख भी पहुंच जाए और हमें लगता है कि 24 से पहले पहले हम अपने लीडर को आज़ाद करा लेंगे। अच्छा, ये इतनी तैयारियाँ जोरों शोर से जारी जो हैं इससे पहले कभी नहीं देखने को मिला, और ना ही ये जज्बा, ये जुनून, लोगों की ये मोटिवेशन देखने को मिली है। सो क्या समझते हैं इसके पीछे क्या वजह है, और 24 को अगर निकलते हैं 24 को क्या मंजर होगा इस्लामाबाद के? कॉल अडयाला से है और ये फाइनल कॉल है। हम अपना तन मन धन लगाएंगे, जितना भी जिससे हो सकेगा उससे दो स्टेप आगे जाएगा और इंशाल्लाह ये 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल है आपको जो पंजाब के बॉर्डर है वहाँ पे दमादम मस्त कलर देखने को मिलेगा और इंशाल्लाह 24 की रात को हम खान को आज़ाद करा के बाहर लेके आएंगे। अच्छा, क्या एक्सपेक्ट रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से कितने लोग जाएंगे और कितनी तैयारी के साथ जाएंगे, कितनी देर में पहुँचेंगे? क्योंकि हमेशा ये होता है कि कटी पहाड़ी पे 15-16 घंटे गुजर जाते हैं। देखिए, इस बार की स्ट्रेटजी थोड़ी हमारी डिफरेंट है कि हम सारे एक जगह पे जमा नहीं होंगे, हम 4 मुख्तलिफ पॉइंट से आएंगे पंजाब की तरफ। साउथ अपना आएगा, पिशावर अपना आएगा, इस तरह हम 4 डिफरेंट पॉइंट से एंट्री करेंगे, मियांवाली हम टच करेंगे और इंशाल्लाह ये लाखों का मजमा होगा। इंशाल्लाह 10 लाख से ज़्यादा लोग लेके जाएंगे हम अपने साथ और खान की रिहाई मुमकिन बनाएंगे। रिहाई के बगैर वापसी नहीं है, हम किश्तियाँ जला के जाएंगे, वापसी का ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये कंफर्म है कि वापसी का कोई ऑप्शन नहीं, हम अपनी किश्तियाँ तारिक बिन ज़ियाद की तरह जला के निकलेंगे 24 को। ठीक है, तारिक बिन ज़ियाद की तरह किश्तियाँ जला के निकलेंगे, वापसी का ऑप्शन नहीं है, इमरान खान को रिहा करवा के वापस आएंगे। सो आप ये देख सकते हैं ये सूरत हाल है इस टाइम CM हाउस पेशावर की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ इकट्ठे हैं और इनका कहना है कि इस दफ़ा वापसी नहीं होगी, खान को रिहा करवा के ही वापस आएंगे। सुहेल साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ तमाम रीजन पहुँचे हैं, तैयारियाँ जारी हैं 24 के हवाले से, बाकी जो डेज हैं उसकी क्या तैयारियाँ हैं और 24 के हवाले से क्या करने जा रहे हैं? देखिए जी, इंशाल्लाह कल से हम जो हैं डोर टू डोर और मार्केट्स में, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में हमारे पंपलेट्स आज तैयार हो जाएंगे। कल से जो हैं डोर टू डोर और ये मार्केट्स पर जाएंगे, हमारी जितनी भी टीम्स हैं वहाँ पर बाकायदा लोगों को दावत देंगी देंगे लोग इंशाल्लाह। आज ही अभी मैं जो है अपने हल्के से आ रहा हूँ, वहाँ पर जो है हमने सिर्फ वो चीदा हमारे जो मेन लीडरशिप है हल्के की उनकी मीटिंग कॉल की थी और 1000 से बंदे ऊपर आ गए थे, तो लोगों का वो जोश व जज्बा मैंने देखा है। तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला कि 24 नवंबर को जो आवाम निकलेगी ना तो इनको संभालना मुश्किल होगा इंशाल्लाह। कितनी आवाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप खैबर पख्तूनख्वा से, और पंजाब का रिस्पॉन्स क्या देख रहे हैं? इस्लामाबाद पहुँचना, फाइनल
कॉल है इस्लाम आबाद पहुँचने की, सो क्या देख रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स होगा और क्या मंजर होगा उस दिन? देखें, जो मैं हलचल देख रहा हूँ और जो लोगों का जज्बा देख रहा हूँ, ये खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में हमने 2007 से सियासत शुरू की है इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से, अब तक ये जज्बा हमने कभी नहीं देखा जो इस दफ़ा देख रहे हैं। तो इस दफ़ा जो लोग निकलेंगे वो पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा से, और जोश और जज्बे के साथ। एक तो होता है कि मतलब एक मुर्दा क्राउड होता है, ये मुर्दा क्राउड नहीं होगा, इसमें जोश जज्बा जुनून इस हद तक होगा कि इंशाल्लाह ताला जो लीडर ने हिदायत दी है उनको पूरा किए बगैर लोग वापस नहीं आएंगे। बाकी जितनी पंजाब की बात है, पंजाब की लीडरशिप ये दो दिनों से यहाँ पर आ रही है, वो जो है उन्होंने मोबिलाइजेशन स्टार्ट की है। KPK से इंशाल्लाह ताला तमाम पाकिस्तान बेगम रहें, भरपूर तादाद में निकलेंगे, लेकिन सिर्फ KPK से ये नहीं होगा, पंजाब से लोग निकलेंगे तो इंशाल्लाह इनकलाब आएगा। जो नज़दीक अजला हैं इस्लामाबाद के, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं लीडरशिप की तरफ ना देखें, अपने हलके के MPA MNA की तरफ ना देखें, देखना है अपने लीडर की तरफ, देखना है लीडर की कॉल है। आप लोगों ने बसेस में पहुंचना है पहुंचो, कार्स में पहुंचना है पहुंचो, बाइक्स पे पहुंचना है पहुंचो, कुछ भी नहीं है तो पैदल पहुंचो। लेकिन 24 नवंबर को अगर पाकिस्तानियों ने थोड़ी सी भी कोताही की तो याद रखना कि जो पिछले 2 साल से हो रहा है इससे बदतर हमारे साथ होगा, और अल्लाह ना करे हमारी लीडर पर जो है मजीद सख्ती होगी। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हैबर पख्तूनख्वा से, कितने लोग लेके इस्लामाबाद पहुंचेगा, हैबर पख्तूनख्वा कितनी तादाद में आएगा? देखें, मेरे 49 विलेज काउंसिल्स हैं अभी PK 70 के, मैंने अपने हलकों से लिस्टें मंगवाई हैं, 100 बंदा पर विलेज काउंसिल, 4,900 बंदा ये आता है। ISF और यूथ के अलहदा से होंगे तो तकरीबन 6-7 हज़ार तक लोग जो हैं हर हल्के से अगर इस तरह निकलें तो ये तकरीबन बनेंगे 6-7 लाख लोग, और 6-7 लाख मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इससे ज़्यादा इंशाल्लाह होंगे खैबर पख्तूनख्वा से। तो वहाँ पहुँच के धरना दे दिया जाएगा अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते, क्या स्ट्रेटजी है? डेफिनेटली धरना ही होगा, पुरमन धरना होगा, और तब तक जो है पूरा पाकिस्तान जैम होगा जब तक जो है जो हमारा लीडर उन्होंने नाहक कैद किया हुआ है उनको जमानतें मिल चुकी हैं, बोगस सियासी केसेस में उसको अंदर किया हुआ है, सियासी तासुब का निशाना बनाया जा रहा है, तो वो बाहर आएगा तो ख़त्म होगा, वरना उस वक्त तक बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अच्छा सुहेल साहब ये बताएं कि हमेशा ये देखा जाता है कि एक मुकाम है अटक का कटी पहाड़ी, उसे क्रॉस करते बहुत टाइम लग जाता है, 15-16 घंटे लग जाते हैं और बहुत सी एनर्जी कारकुनान की वेस्ट हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि मेन जो पॉइंट है वो तो डी चौक है। सो इस दफ़ा उसे क्रॉस करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है या कितनी देर में आप डी चौक पहुँचेंगे? मुकम्मल स्ट्रेटजी है इस दफ़ा, इन्होंने हम इस दफ़ा भी जो हैं जल्द ही वो क्रॉस कर देते लेकिन उन्होंने कड्डे खो दिए हुए, तो इस दफ़ा जो है ये जितना भी नया कारनामा सिर्फ एक है कि ये टैंके और जो है ऊपर से रॉकेट लॉन्चर लॉन्च कर सकते हैं वो जुदा बात है, लेकिन ये जो पिछली दफ़ा हो रहा था तो इंशाल्लाह ये 3 घंटों की मार होगी, हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेंगे जल्दी से जल्दी इस्लामाबाद पहुँचेंगे। सो आप देख सकते हैं इस CM House पेशावर में मौजूद